चैनल रुगाइट एकेडमी। आप देख सकते हैं ये सीटेट का जो एग्जामिनेशन हुआ था कुछ दिन पहले, उसका जो आंसर की वो आ चुका है। ठीक है, उसका जो आंसर की वो आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन पेपर वो भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसका जो क्वेश्चन पेपर वो आ चुका है, उसका जो आंसर की वो भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, आप जल्दी से जाइए वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है CTET.NEET.IN। अगर ये आप सर्च करेंगे तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET का वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? अब अगर आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की। ठीक है, यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि इससे पहले हम इसका जो नोटिस आया है, जो 31 जनवरी में नोटिस जारी किया था आंसर की, उसको नोटिस को हम एक बार देख लेते। ठीक है, 31 जनवरी उस नोटिस आया था सीटेट का। ठीक है, जो आंसर की वो दे दिया है, उसमें क्या है? ये 15 एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, जिसका वेबसाइट ये देख सकते हैं आप, जिसका जो एग्जामिनेशन हुआ था सीबीटी मोड में हुआ था, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड मोड में हुआ था, 16 दिसंबर टू 25 जनवरी तक हुआ था, बहुत दिन तक चला ये एग्जामिनेशन। उसका जो आंसर की वो आ चुका है, क्वेश्चन भी आ चुका है, आंसर की भी आ चुका है। और इसमें कहा था सीटेट ने कहा है कि यहाँ पे चैलेंज ऑफ आंसर कीज विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड। अगर कोई भी एग्जाम क्वेश्चंस का जो आंसर की सीटेट ने दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, उसका अगर उस आंसर की को आपको गलत लगता है कि वो जो आंसर की दिया है मेरे हिसाब से गलत है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उस चैलेंज करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 4th of February है। ठीक है, 11:59 PM तक। उसको एक 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 क्वेश्चन का जो आप चैलेंज करेंगे, एक एक क्वेश्चन का पर हेड 1000 रुपया आएगा। ठीक है, आप चैलेंज कर सकते हैं। तो हम जाते हैं। अब अगर आप आपका जो चैलेंज की और आंसर की जो अगर देख सकते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्ले और चैलेंज की में, तो फिर आपको आपका सामने ऐसा एक पेज निकल के आएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर टू डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका ऐसा कुछ एक विंडोज खुल जाएगा जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है सीटेट एग्जामिनेशन का, वो रोल नंबर दीजिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वहाँ पे ये डाल दीजिए। और आपका जो आप अगर लॉगिन करेंगे तो आपका जो पेज है, जो आंसर की है, वो खुल जाएगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है सीटेट का, जो आप एग्जामिनेशन दिया है दिसंबर 2021 का, उसका क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ एक शेप खुल जाएगा जहाँ पे आप किस किस डेट में एग्जामिनेशन हुआ है उसका सब डेट यहाँ पे है। उस डेट की स्लॉट के हिसाब से आप पेपर 1 और पेपर 2 डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।